इट्स इंक्लूसिव. सो समो हम तो जैसे एक एक बाप के बेटे हो, चार पांच बेटे हो, जो जितने चाहते हो समझते हो, मॉर्मन हो तो बहुत बेटे बच्चे होंगे, तो जितने भी हो, एक पामर हो, वो बस बेटे अपने बाप से कोई उसका संबंध नहीं है, उसको पता भी नहीं कि बाप मेहनत करता है, बाप ने सब कमाया है, बाप ने ला करके रखा है, वो तो उसको अपने वीडियो गेम्स में, अपने फोन में, अपने जंक फूड में खुश है, अपने कार मोटर गाड़ी मिल गए, बस उतना ही संबंध है, बाप से लेना देना नहीं, उसके खाली सृष्टि को उपयोग कर रहा है, उसका खाली उपभोग कर रहा है, उसने जो कमा के रखा है उपभोग में रत है, उसके खिलौनों से ही उसके बाप से संबंध नहीं जोड़ा है. उसी घर में उसका दूसरा बेटा रह रहा है, वो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है बात, वो शांत हो गया कि ये ना, ये सब मेरे पिता ने मेहनत करके कमाया हुआ है, हम सबके लिए जमा करके रखा हुआ है, इसलिए वो जितना जरूरी उतना लेता है, फ्रिज से खाता है जितना, लेकिन अपने में शांत रहता है, वो भी बहुत ज्यादा पिता के पीछे पीछे नहीं कर रहा है, वो झंझट नहीं मोल दे रहा, उसका दिमाग नहीं चाट रहा है. लेकिन ये पामर भाई के समान भी नहीं है कि ध्यान ही नहीं और खाली उपभोग उपभोग उपभोग, है ना, शांत मना होकर, और कोई है वो, और ज्ञान प्राप्त कर ले, उसने ये भी समझ लिया कि कैसे मेरे पिता ने ये इतना कमाया, कैसे निर्माण किया, और फिर वो दूसरे भाइयों को पता समझा रहा है कि ऐसे वैसे, लेकिन फिर भी उसका ऐसा इतना पिता के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं हुआ, और उसको लेकिन उसको क्यूमुलेटिव राइट, उसको पामर की जो स्थिति थी वैसे ही होती, उसमें से ऊपर अगला भाई, वो उसके बाद उसको ज्ञानी भाई को ये भी पता है, वो भी पता है, और ज्यादा पता है, और उससे ज्यादा कोई हुआ भक्त नाम का भाई हुआ, तो उसने कहा मेरा इतना प्रेमी दयालु भाई है, इस मेरे बाप है, इतना कमाया, जस्ट तो इतन यही कर सकता, बार उसी का नाम लो, उसी की पूजा करो, उसी को फूल चढ़ाओ, उसी के बगीचे से उसी के फूल लेकर के उसी के फूल फोटोपट चालू, मेरे को कुछ दूसरा करना नहीं है, क्योंकि सब उसने कम करके रखा है, एंड आई जस्ट लव माई फादर, बस जीवन भर मरते दम तक उसका ही गुणगान करना है. और बड़ा भाई वो पहला हो कि उसको ये सब पता चल गया, प्रेम भी करता है, ज्ञान भी प्राप्त है, शांत भी हो गया है, तो उपभोग नहीं करता, ऐसा भी नहीं है, जितना जरूरी उतना खा भी लेता है, लेकिन वो कहता है कि नो, आई वॉन्ट टू बी विद माई फादर, आई वॉन्ट टू डू वट ही डस, आई वॉन्ट टू गो वर ही गोज, आई वॉन्ट टू सिट विथ हिम इन हिज कार, ड्राइव अराउंड, मेरे से कुछ हो ना हो लेकिन मैं हाथ भार तो लगा ही दूंगा. तो वो पिता को मना ले कि प्लीज डैड, कैन आई बी विथ यू, कैन यू टेक मी विथ यू, वुड यू माइंड, तेरी तो लिमोजिन में तू जाता है रोज, वुड यू माइंड इफ आई सैट इन योर कार. तो बाप कहेगा यस बेटा ऑफ कोर्स प्लीज, अब मैं तरस रहा हूँ, तुम्हें से कोई एक तो मेरे साथ आ जाएगा उसके लिए, प्लीज तो मैं भी सेवा करूँ, मैं भी कार्य करूँ, मैं भी फैक्ट्री चलाऊ, मैं भी पैसा कमाऊ, मेरे को अकल तो नहीं, कुछ मेरी धमक नहीं, दम नहीं, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग, आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, आई विल मिमिक यू,